Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So in this video lecture we are going to discuss our next article, that is equation of motion of circular cylinder. So let's get started our video. We shall derive the equation of motion by using the principle of energy. सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. सो वी कंसीडर, इसके लिए हम एक सर्कुलर सिलेंडर लेंगे जिसकी रेडियस क्या है ए, मूविंग विद वेलोसिटी यू अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. सो इन एन इनफाइनाइट मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी. नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय, सो वी नो डैट हम काइनेटिक एनर्जी जिसको हम टी से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय टू डबल इंटीग्रेशन फाई कर्ल फाई अपॉन कर्ल आर डी एस. ठीक है, द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द फ्लो इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन आर. ये हमने किया था लास्ट आर्टिकल्स में, देखना आप, हमने फाई की ये वैल्यू ड्राइव की थी. t इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय टू, अब जो फाइव की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्यों ये उन्होंने, और कल फाइव अपॉन कल आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगी क्यों, वन बाय आर का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर तो क्या आएगा, माइनस ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये वो यहाँ पे पुट की है डी एस विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय टू, अब यहाँ पे हमने फाइव की वैल्यू पुट कर दी है एंड इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाए ए डी एस, क्योंकि जो हमारे पास एल होता है डेट इज इक्वल टू थीटा आर एंड डी एस इज इक्वल टू ए डी थीटा. ठीक है, ये वैल्यूज हमने इसमें पुट की है. अब ए स्क्वेयर को बाहर निकाल लीजिए. ठीक है, अब हमने यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए पुट करना है. इन्होंने देखिए इस स्टेप से इस स्टेप में यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने जस्ट एक इंटीग्रेशन को चेंज किया है, एक इंटीग्रेशन को चेंज किया है. यहाँ पे दो डबल इंटीग्रेशन से यहाँ पे हमने सिंगल लिया फ्रॉम जीरो टू टू पाए. ठीक है, एंड डी एस की वैल्यू क्या है पुट की है ए डी थीटा, और बाद में हम आर को ए भी पुट करेंगे देन कैंसिल करके, जैसे यहाँ पे ए स्क्वेयर है तो ए फोर आ जाएगा, राइट. एक ये है ए, तो ए फाइव हो गया. नीचे आर को अगर हम ए पुट करेंगे तो आर ए क्यूब होगा जो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वेयर रह जाएगा, वो हमने बाहर लिख लिया. ठीक है, इंटीग्रेशन यू स्क्वेयर को भी बाहर और अंदर, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो इसके अलावा जो भी हमारे पास टर्म्स होगी वो सारी कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगी, तो इसलिए हमने रो ए यू को बाहर लिख लिया है इंटीग्रेशन के बाहर. देन इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू रो ए स्क्वेयर यू स्क्वेयर बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाए कॉस स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू डी थीटा. अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वन की तो थीटा बाई टू आ जाएगा. ठीक है, प्लस कॉस टू थीटा की करेंगे तो साइन टू थीटा अपॉन टू, एक ये वाला टू और एक जो इसके साथ वाला इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, राइट, वो कर दिया. अब साइन एन पाई क्या होता है ज़ीरो और साइन ज़ीरो भी ज़ीरो, सो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा ये बचेगा, तो ये लिखा. अब हमने क्या किया, इसमें से इस टर्म को हमने क्या कंसिडर किया है एम डैश, तो हमारे पास क्या आ गया वन बाई टू एम डैश यू स्क्वेयर, वेयर एम डैश इज़ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर. ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वन बाय टू एम यू स्क्वेयर, ओके, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द सिलेंडर. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, सो बोथ वन बाई टू यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आ गया एम प्लस एम डैश. उसके बाद इफ कैपिटल एक्स डिनोट्स द फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, अगर जो कैपिटल एक्स है वो फोर्स को डिनोट करता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द रेट एट विच द वर्क इज डन.
तो हमने प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी यूज़ किया है, जो हमने इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेंगे, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पे स्टेट किया है डेट प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है, डेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क, रेट इज इक्वल टू द रेट एट विच द वर्क इज डन। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव लिया हमने, 1/2 यू स्क्वेयर एम प्लस एम डैश, डेट इज द टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, राइट, फ्रॉम मतलब पीछे से, इज इक्वल टू एक्स एंड यू, वेयर एम इज द मास ऑफ द सिलेंडर एंड एम डैश इज द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर। नाउ इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या होगा, यू टू यू डी यू अपन डी थीटा आ जाएगा, टू के साथ ये टू कैंसिल, तो हमारे पास यू आएगा। ठीक है, इस यू को इस यू के साथ कैंसिल कर दीजिए तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एम डैश डी यू अपॉन डी थीटा। अब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप में, ओके, देन हम एम डैश को किधर ले गए, एक्स के पास ले गए, तो यहाँ तक हो गया। नाउ इन एब्सेंस ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड एब्सेंट हो जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी एब्सेंट हो जाएगी, डैट इज एम डैश था, एम डैश मेरा जीरो आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर ये टर्म मेरी जीरो बन गई तो मेरे पास क्या बचेगा, एम डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एक्स। इट शोज दैट लिक्विड एग्जर्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ अमाउंट, ये क्या शो कर रहा है, जो लिक्विड है वो एक लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है अ रेजिस्टेंस ऑफ अमाउंट एम डैश डी यू अपॉन डी थीटा, सो दैट द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स माइनस एम डैश डी यू अपॉन डी थीटा विच अपोज द मोशन। ये थ्योरी है, थोड़ी सी आपको लर्न करनी पड़ेगी। इफ़ वी टेक एक्स डैश द एक्सटर्नल फोर्स एंड देन देयर इज नो लिक्विड एंड एक्स, नाउ हम कैपिटल एक्स किसके इक्वल लेंगे, सिग्मा माइनस रो एक्स डैश अपॉन सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नाउ एक्स के प्लेस पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, डी यू अपॉन डी टी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी टी एम प्लस एम डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो एक्स डैश अपॉन सिग्मा। अब यू डॉट का मतलब डी यू अपॉन डी टी ही होता है, मतलब डी यू अपॉन डी टी को जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी हम उसको डॉट से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्या बन गया, यू डॉट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो, ये एक्स मेरा इस सब के साथ है, ठीक है, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा एक्स डैश और एम प्लस एम डैश मेरा इधर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय एम कर दिया, अब एम यू डॉट इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वेयर, एम की वैल्यू पीछे से अब पुट कर दीजिए, एम डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो आपका आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।